नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में आपका स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो कल डोईवाला दौरे पर रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल सुबह 11:30 बजे डोईवाला जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। डोईवाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कार्यक्रम में नाबार्ड के चेयरमैन भी शामिल होंगे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। तो डोईवाला का कार्यक्रम कल डोईवाला के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, और उनके साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे डोईवाला में। तो आपको बता दें कि कल डोईवाला पहुंचेंगे 11:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल डोईवाला के दौरे पर कई कार्यक्रम, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में कई योजना का शिलान्यास करने वाले हैं, और इसके साथ ही कार्यक्रम में नाबार्ड के चेयरमैन भी शामिल होंगे और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो डोईवाला की जनता को मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात। कल 11:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डोईवाला, जहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, और साथ ही कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। डोईवाला में तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। चाक चौबंद कोविड-19 के तहत जितनी भी गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो 11:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला, जहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, और साथ ही कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ कई और अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो कार्यक्रम में नाबार्ड के चेयरमैन भी शामिल होंगे। तो महेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कल 11:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां उनके कार्यक्रम को लेकर, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, बड़ी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। कल पूरे उत्तराखंड में चयनित हुए हर ब्लॉक के जो आदर्श ग्राम चयनित हुए हैं उनका शुभारंभ कल माजरी ग्राउंड से किया जाएगा, क्योंकि माजरी ग्राउंड भी डोईवाला ब्लॉक का एक आदर्श ग्राम चयनित हुआ है। बाकी उत्तराखंड के जो 95 ब्लॉक है उनमें भी आदर्श ग्राम जो चयनित हुए हैं, कल वर्चुअल के माध्यम से पूरे प्रदेश के आदर्श ग्रामों का शुभारंभ शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। वहीं उनके साथ नाबार्ड के चेयरमैन गोविंद राजूल चिंतला सहित कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री धन सिंह रावत के समेत तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, शिलान्यास जो किए जा रहे हैं, लोकार्पण किए जा रहे हैं, या कोई भी समीक्षा बैठक की जा रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है, वर्चुअली की जा रही है, लेकिन क्योंकि अब डोईवाला वो पहुंचेंगे कल, कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई अधिकारी शामिल होंगे, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहेंगे, नाबार्ड के चेयरमैन मौजूद रहेंगे, तो कोविड-19 के तहत किस तरह की तैयारियां? देखिए, पूरा गाइडलाइन के अनुसार पूरा पालन करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि मतलब भीड़ एकत्रित ना हो, असामाजिक दूरी बनाते हुए कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से किया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। ठीक महेंद्र, और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होने वाला है? देखिए, डोईवाला विधानसभा की तमाम योजनाओं का शिलान्यास तो होगा ही, लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो है, जो पूरे उत्तराखंड में हर ब्लॉक में आदर्श ग्राम चयनित किए गए हैं उनका कल शिलान्यास किया जाना है। यह आदर्श ग्राम ऐसे होंगे जिसमें तमाम विभाग जैसे कृषि, मत्स्य, पशुपालन, उद्यान, रेशम, इन तमाम विभागों की जानकारी लोगों को एक ही जगह पर मिल पाएगी, और इन ग्राम सभा में इनकी तमाम योजनाएं क्रमान्वित होंगी, ऐसे ये ग्राम सभा चिन्हित किए गए हैं। ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र। तो कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के दौरे पर है, 11:30 बजे कल वो वहां पहुंचेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो डोईवाला के शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर चिल्ड्रन होम सोसाइटी भोगपुर रानी पोखरी के प्रबंधक और हॉस्टल वार्डन के विरुद्ध धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि चिल्ड्रंस होम सोसाइटी भोगपुर रानी पोखरी में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अभिषेक रविदास नाम के छात्र की 20 सितंबर 2019 को जॉली ग्रांट अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस दौरान आरोप था कि चिल्ड्रंस होम एकेडमी के संचालकों ने छात्र को समय से उपचार उपलब्ध नहीं कराया था, जिस वजह से स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से छात्र की मौत हो गई थी। एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था, जो जानकारी में आया कि इसका स्वास्थ्य खराब हुआ था और 19 सितंबर को इसे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, 20 तारीख को इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी।
बाद में आरोप लगे कि इसे समय से हॉस्पिटल नहीं एडमिट कराया गया और लापरवाही विद्यालय प्रबंधन था चिल्ड्रन होम एकेडमी उसकी लापरवाही की वजह से बच्चे की मृत्यु हुई। शासन के द्वारा इसमें जांच कराई गई थी, जांच रिपोर्ट आने के पश्चात इसमें शासन के द्वारा अभियोग पंजीकृत करने के आदेश हुए हैं और कल हमारे द्वारा इस मामले में अभियोग पंजीकृत। किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? ये विद्यालय प्रबंधक और जो वहाँ पे के वार्डन है हॉस्टल वार्डन उनके। खबर सितारगंज से है जहां पूर्व विधायक नारायण पाल ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाया है। बता दें कि कृषि मंडी में धारा 144 लगाई गई थी और विधायक कृषि मंडी में प्रवेश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर पूर्व विधायक सहित 5 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए थे, जिसको लेकर नारायण पाल ने प्रशासन के उन पर लगाए गए मुकदमे को गलत बताया, साथ ही कृषि बिल को दुनिया भर के किसानों के खिलाफ बताया और इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गए मुकदमे के मुद्दे को हाईकोर्ट में ले जाने की बात भी कही। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा ने यहाँ के सत्ता संभाली है प्रदेश में, तब से हमारा किसान परेशान है। आज किसान जो है सड़कों पे धान ले लेके अपनी ट्रॉलियां लेकर के खड़ा है। 4-5 महीने का जो है धान पालने में समय लगता है, कितना खर्चा आता है धान पालने में। आज किसान बेचने के लिए दर दर भटक रहा है, सरकार की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जहां किसान अपना धान बेचने आ रहा है वहां धारा 144 लागू कर दी जाती है, कोई प्रकाशित नहीं है, किसी को कोई मालूम नहीं है। अगर इसके लिए कोई आवाज़ उठाने जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन सा तरीका भाजपा सरकार का कि अगर किसान के साथ किसान अगर कोई अपने आवाज उठाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए, उस पर धाराएं लगा दी जाएं, तो इसका हम बिल्कुल हम विरोध करते हैं। सरकार को धान खरीदने की सुनिश्चित बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो आज ये इतना मंडी में गदर हो रहा है, परेशान हो रहा है किसान, मच्छरदानी लगा करके 4-5 दिन वहाँ सो रहा है, मच्छर उन्हें काट रहा है। दुकान पे ग्राहक ही नहीं होगा और 144 लगा देंगे तो उसकी बिक्री कैसे होगी? इसका मतलब है शासन के, सरकार के इरादे जो है प्रशासन बिल्कुल उसका क्रियान्वयन कर रहा है। ये चाहते हैं, वैसे भी बीजेपी जो है किसानों की हितैषी नहीं है, 3 अध्यादेश भी पास हुए हैं, तो ये जो मामला है ये इसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे और कि किसानों का धान बिकना चाहिए तो धारा 140 लगा के, और विशेषकर कांग्रेस जनों को इन्होंने जो निरुद्ध किया है ये बहुत ज़्यादा गलत है। और 144 इन्होंने लगाया तो ना तो कोई उसका प्रकाशन हुआ और ना ही किसी को पता लगा, लेकिन हजारों लोग मंडी के अंदर हैं, शासन सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं और लोग हैं, लेकिन ये 5 ही लोगों पे और कांग्रेस जनों पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये मैं इसका विरोध करता हूँ। हरपाल जी, सितारगंज में इस साल किसानों की धान की तौल ना होने पर किसान परेशान है। कृषि अनाज मंडी में किसान 4-5 दिन से मंडी में ही सोने को मजबूर हैं। धान तौल सुचारू और नियमित रूप से ना होने से किसानों ने मंडी में ही रह रहे हैं और साथ ही इसके बाद भी मंडी के अधिकारी कर्मचारी और आढ़ती मिलकर किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस वजह से किसान राइस मिलों में औने पौने दामों में अपनी धान की फसल बेचने को मजबूर हो गए हैं। आज एक बंदे को इतना उत्तराखंड में रह रहे आदमी, 2-3 दिन हो गए यहाँ मंडी में बैठे हुए। धान तो क्या कोई देखने भी नहीं आया, यहाँ पे देखने आए, थोड़ी सी आए लाले, वो थोड़ी सी ट्रालियाँ लेके 2-3 और यहाँ से चले गए, 10-20 ट्राली ले गए होंगे। बाकी बहुत बुरा हाल है यहाँ, बहुत मच्छर हैं, 3 दिन से मच्छर काट रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। वो आ रहे हैं किसी ट्राली को कह रहे हैं हमने 5 किलो काटना है, इस पर 10 किलो काटना है, जिमीदार बेचारा क्या करे, जिमीदार बहुत परेशान है, कोई जिमीदार की सुध लेने वाला नहीं है, तो हमें लग रहा है यहीं सोना पड़ेगा मच्छरदारी लगा के। तो आगे देखो कोई गवर्नमेंट हमारी सुध लेती है कि नहीं। धान कटने को है, मौसम ख़राब है, डर लग रहा है अभी आगे गेहूँ भी बोई जाएगी नहीं बोई जाएगी, सरकारी रेट की तो दूर की बात है, यहाँ तो बिक ही नहीं रही।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देहरादून से खबर है जहां पर बीजेपी के पार्षद ने धांधली के खिलाफ आवाज उठाई है। कूड़ा उठाने वाले ठेकेदारों से मिलकर अधिकारी धांधली कर रहे हैं। अधिकारी ठेकेदार नगर निगम को लगा चुके हैं करोड़ों का चूना। इनके खिलाफ निष्पक्ष और प्रभावशाली जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र कठेत का कहना, कूड़ा उठाने के लिए जितनी गाड़ियां निर्धारित हैं उतनी गाड़ियां नहीं लगाई गई हैं। तो भूपेंद्र कठेत ने आरोप लगाया है कि किस तरीके से धांधली हो रही है। बीजेपी के पार्षद ने धांधली के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। कूड़ा उठाने वाले ठेकेदारों से मिलकर अधिकारी धांधली कर रहे हैं और अधिकारी ठेकेदार नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। तो इनके खिलाफ निष्पक्ष और प्रभावशाली जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र कठेत का कहना, उन्होंने कहा कि कूड़ा उठाने के लिए जितनी गाड़ियां लगाई गई हैं उतनी गाड़ियां नहीं है, तो करोड़ों का अब तक चूना लगा चुके हैं। तो बीजेपी के पार्षद ने धांधली के खिलाफ आवाज उठाई। कूड़ा उठाने वाले ठेकेदारों से मिलकर अधिकारी धांधली कर रहे हैं, करोड़ों का चूना भी प्रशासन को लगा चुके हैं। क्लीन चिट दे रहे हैं, जो अधिकारी दे रहे हैं शायद वो गुमराह हो रहे हैं और गलत तथ्य पे क्लीन चिट दे रहे हैं। आज मैंने उनसे उनके विविधता पे जो उनकी शर्तें हैं उनसे बात की है और उन्होंने खुद मान लिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 30 गाड़ियां मानने का मैं खड़ी हो ही नहीं सकती है, व्हाट्सएप में गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती, वो गाड़ियाँ हैं ही नहीं, तो गाड़ियाँ आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हो यार। दूसरी बात, आप खुद कह रहे हो मैंने आपसे कहा 29 गाड़ियों को, आपने कहा 30 गाड़ियाँ चल रही, उन 30 गाड़ियों का नंबर दे दो, फिटनेस दिखा दीजिए। अब आपके पास वो भी नहीं है तो आपने क्लीन चिट किस दे दी। अब आपने कहा नहीं हम तो साइज़ के ऊपर दे दिया। अरे भैया आप कहीं ना कहीं घुमा तो रहे हो, गुमराह कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। और आप कह रहे हैं कि हमने जी 2 करोड़ रुपये बचा लिया, आपने 2 करोड़ रुपये नहीं बचाया, आपने 8 करोड़ का निगम को चूना लगा दिया। सीधे शब्दों में कहें आप बेवकूफ़ बना रहे हैं आप जनता का और हमारे माने मेयर साहब का। आप कह रहे हैं पहले कूड़ा उठता था 350-400 टन, आज कूड़ा उठ रहा है आपका सिर्फ 140 टन। मतलब आज देहरादून की आबादी एकदम से कम हो गई, मतलब 2 महीने में इतनी आबादी कम हो गई कि 150 टन कूड़ा रह गया आपका, 450 टन होने वाला कूड़ा आज सिर्फ आपका 150 टन रह गया, कहीं ना कहीं घपला तो हुई। काशीपुर से खबर है जहां पर काशीपुर पुलिस ने बीते दिनों हुई युवक की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले मस्जिद के पास गंभीर हालत में युवक का शव मिला था। वहीं पुलिस के मुताबिक युवक डंपर की टक्कर से घायल हुआ था। घटना के सिलसिले में मृतक के परिजनों की तरफ से उनसे 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर परिवार की तरफ से दी गई। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जाँच की तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामला एक्सीडेंट का निकला, जिस कारण दोनों नामजद बेगुनाह निकले। क्या गुलाबो गांव में एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, बाद में हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हो गई थी। उसके भाई की तहरीर पे इसमें 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था 16 तारीख को। इसमें हमारी टीम जब जांच कर रही थी इस मुकदमे की, तो उसमें 2 लोग जो नामजद थे, एक तो उनके बारे में पूरी पूछताछ की गई, दूसरा जो गांव के पूरे सीसीटीवी कैमरा हैं उनको खंगाला गया। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे ये निकला सीसीटीवी कैमरे से कि जो व्यक्ति घायल हुआ था वो गांव का एक व्यक्ति है लेखराज, उसका डंपर था और उसके ड्राइवर के जो डंपर से ये व्यक्ति घायल हुआ था। लेखराज को जब इसकी जानकारी हुई, उसके ड्राइवर द्वारा फ़ोन से बताया गया, तो उसने उस बॉडी उसको व्यक्ति को सड़क के किनारे कर दिया था। तो इसमें लेखराज का ड्राइवर और लेखराज दोनों को आज अरेस्ट किया गया है और जो नामजद थे उनकी नामजदगी इसमें गलत पाई गई है, अब इनको न्यायालय। बता दें सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस ने यह खुलासा किया। हालांकि जो पीड़ित था उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि 2 लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद करके रिपोर्ट लिखवाई थी, तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये बात सामने आई कि एक डंपर से टकराकर युवक की मौत हो गई है, यानी कि सड़क हादसे में मौत हुई है, किसी ने हत्या नहीं की है। परिजनों ने पहले हत्या की आशंका जताई थी जिसका खुलासा पुलिस ने किया सीसीटीवी फुटेज देखकर। सुल्तानपुर से खबर है जहां पर सुल्तानपुर पट्टी में जालंधर से पीलीभीत जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक परिचालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई यात्रियों को मामूली चोटें आईं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो सुल्तानपुर पट्टी में जालंधर से पीलीभीत जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक परिचालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं।
ये देख सकते हैं आप फुटेज, सीसीटीवी फुटेज है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो किस तरीके से अनियंत्रित होकर ये बस पलटी, साफ देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। अर्ली मॉर्निंग एक खैरा ट्रांसपोर्ट की बस सुल्तानपुर पट्टी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था, बाकी छोटी मोटी चोटें तीन लोगों को आई थी। तो बाकी इनको फर्स्ट एड दे करके बस को रवाना कर दिया गया था। गंभीर स्थिति नहीं थी और कोई पुलिस को इसमें शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। खैरा ट्रांसपोर्ट की थी, पंजाब से पीलीभीत जाती है पलिया। तो सुबह के समय जो ये संभावना जताई जा रही है कि इसकी थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी, जिसमें ड्राइवर का नियंत्रण जो है वो उसने खो दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।